हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी की एमपीपीएससी की तैयारी पूरी लगन और मेहनत के साथ बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और जिनकी नहीं भी चल रही है उनके लिए अभी भी वक्त है, लग जाइए, जुट जाइए सब कुछ छोड़कर। ये बचे हुए दिन आपकी लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ला सकते हैं। साथ ही साथ ये टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और हमारी आगे भी यही कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सभी सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देते रहें। इस सीरीज़ का पहला प्रश्न है, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ और उनके निवास क्षेत्र के संबंध में असत्य युग्म चुनिए। ऑप्शन ए एस्किमो कनाडा व ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में, ऑप्शन बी माओरी नाइजीरिया में, ऑप्शन सी एबोरिजिन्स पश्चिमी व मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी बंटू दक्षिण अफ्रीका एवं मध्य अफ्रीका। इनमें से असत्य युग्म है ऑप्शन बी। माओरी नाइजीरिया असत्य युग्म है। माओरी न्यूजीलैंड की प्रमुख जनजाति है। अन्य प्रमुख जनजातियां एवं उनके स्थल हैं किकियू केन्या, खिरगीज मध्य एशिया, मसाई पूर्वी अफ्रीका और पिग्मी ज़ायरे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूटान देश की सीमा भारत के किन राज्यों को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एवं असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एवं असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मणिपुर एवं असम, या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय एवं असम। सही जवाब है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एवं असम। भूटान देश की सीमा से भारत के राज्यों की लगभग 699 किलोमीटर की सीमा स्पर्श करती है। देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच तमिलनाडु के मामल्लपुरम या महाबलीपुरम में अनौपचारिक वार्ता का आयोजन हुआ, इसके संबंध में सत्य कथनों को चुनिए। ऑप्शन ए वर्ष 2018 में चीन के वुहान शहर में भारत चीन के मध्य पहला अनौपचारिक शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसे वुहान स्पिरिट के नाम से संबोधित किया गया। ऑप्शन बी मामल्लपुरम में हुए इस दूसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन को चेन्नई कनेक्ट कहा गया है। ऑप्शन सी मामल्लपुरम बंगाल की खाड़ी में कोरोमंडल तट पर स्थित है, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं कि मामल्लपुरम शहर की स्थापना 7वीं शताब्दी में पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। मामल्लपुरम ओपन एयर रॉक रिलीफ रथ मंदिर पल्लवकालीन वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्तमान में भारत की कुल कितनी महारत्न कंपनियां अस्तित्व में हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, या फिर ऑप्शन डी 10। सही जवाब है ऑप्शन डी 10। अक्टूबर 2019 की स्थिति में 10 महारत्न, 14 नवरत्न तथा 73 मिनी रत्न कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 कंपनियां हो गई हैं। यह अपने मुख्यालयों के साथ स्क्रीन पर दी गई हैं। इंडियन ऑयल, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनटीपीसी लिमिटेड नई दिल्ली, ओएनजीसी देहरादून, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल नई दिल्ली, कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड नई दिल्ली, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली, BPCL मुंबई, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड गुड़गांव और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मुंबई। इन 10 महारत्न कंपनियों को आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन ए दोनों में से किसी भी सदन में, ऑप्शन बी केवल विधानसभा में, ऑप्शन सी दोनों सदनों में एक साथ, या फिर ऑप्शन डी केवल उच्च सदन में। सही जवाब होगा ऑप्शन बी केवल विधानसभा में। संविधान के अनुच्छेद 198 के अनुसार धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, इसे राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में पेश किया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए 11 मार्च 1989, ऑप्शन बी 11 जून 1989,
ऑप्शन सी 11 सितंबर 1989 या फिर ऑप्शन डी 11 दिसंबर 1989। सही जवाब है ऑप्शन सी 11 सितंबर 1989। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को राष्ट्रपति द्वारा 11 नवंबर 1989 को अनुमति दी गई थी और यह 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का अर्थ संविधान के कौन से अनुच्छेद के अधीन समनुदेशित होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 364, ऑप्शन बी अनुच्छेद 365, ऑप्शन सी अनुच्छेद 366 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 367। सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 366। इस अधिनियम की धारा 2(ग) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वही अर्थ हैं जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 और खंड 25 में हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कंचन एक उन्नत किस्म है। ऑप्शन ए अंगूर की, ऑप्शन बी अमरूद की, ऑप्शन सी आंवला की या फिर ऑप्शन डी आम की। सही जवाब है ऑप्शन सी आंवला की। आंवला के फल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कंचन, कृष्णा, बनारसी आदि इसकी उन्नत किस्में हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में आर्थिक नियोजन हेतु गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए एमन रॉय, ऑप्शन बी श्रीमन नारायण अग्रवाल, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। सही जवाब है ऑप्शन बी श्रीमन नारायण अग्रवाल। आइए कुछ अन्य योजनाओं की बात कर लेते हैं। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, राष्ट्रीय नियोजन समिति जवाहरलाल नेहरू, गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण, जन योजना एमन रॉय और सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण द्वारा दी गई। पढ़ते हैं सीरीज के अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिकेट से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए बाय, ऑप्शन बी फ्लाइट, ऑप्शन सी ड्यूस या फिर ऑप्शन डी बीमर। सही जवाब है ऑप्शन सी ड्यूस। यह टेनिस से संबंधित एक महत्वपूर्ण शब्दावली है। यदि दोनों खिलाड़ी 3-3 अंक जीत लेते हैं तो स्कोर ड्यूस कहलाता है, जबकि अन्य तीनों शब्द बाई, फ्लाइट और बीमर क्रिकेट से संबंधित हैं। तो दोस्तों इसी तरह हमसे जुड़े रहिएगा नए नए क्वेश्चंस और फैक्ट्स के लिए, और इसे और बेहतर बनाने के लिए अगर आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेते हैं विदा, वी विल बैक सून।